News 18, India. ये एवलांच गुलमर्ग की बैंक कंट्री में आया है, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की खबर है। गुलमर्ग में ये एवलांच आया है और इससे पहले भी हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के एवलांच की चपेट में कई लोग आए थे। पिछले साल भी एवलांच यहां पर आया था और इसमें जानकारी ये मिली है कि कई पर्यटक इस वक्त फंसे हुए हैं। हमारे सहयोगी रिफत इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। रिफत, पिछले साल भी एवलांच आया था, अब क्या जानकारी मिल रही है, कितने पर्यटक फंसे हुए हैं इस वक्त, क्या स्थिति है गुलमर्ग की? देखिए, बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मेरे साथ इस वक्त हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के वसीम राजा भी, एसएचओ जो हैं हारून साहब वो भी मेरे साथ हैं, और यहाँ पे बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और मैं आपको बता दूँ, बताया जा रहा है कि एक स्केयर जो है उसकी मौत हुई है, हालांकि इसकी अभी ऑफिशियली कन्फर्मेशन नहीं हुआ। एक और जो है तकरीबन 50 फीट बर्फ के नीचे दबा हुआ है, और बड़े पैमाने पर जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जो आप देख सकते हैं, यही वो एरिया है जहाँ पे ये एवलांच आया है, और ये देखिए किस तरीके से, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ ये विजुअल सारे, ये बहुत ही बड़े पैमाने पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। और ये देखिए, ये गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ हैं, और ये एसएचओ हैं, देख सकते हैं आप, ये गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ मेरे साथ में हैं। ये भी स्पॉट पे जा रहे हैं क्विक से क्विक, उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कितनी मुतहरिक है। कोई आसान काम नहीं है, इवन कोई मशीन नहीं चल पाती है। ये मेरे साथ हैं इस वक्त मिस्टर हारून, ये एसएचओ हैं गुलमर्ग के। आप देखें किस तरीके से 7-8 फीट बर्फ में हैं ये, और किस तरीके से यहाँ पे पहाड़ हम चढ़ रहे हैं और उस स्पॉट पे पहुँचेंगे, तो उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन शुरू किया गया। यानी कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के वसीम राजा, और हारून जो हैं वो एसएचओ हैं यहाँ के। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पे जो है अभी ऑपरेशन चल रहा है, कितना दूर है। हालांकि पहले ही स्केयर्स भेजे गए हैं, पहले ही पेट्रोल टीम भेजी गई है, लेकिन अब बाकी लोग आ रहे हैं। ये देखिए, बहुत मुश्किल से यहाँ पे ये स्नो स्कूटर्स चल पाते हैं, तो बीच में पैदल चलना पड़ता है। बहुत टफ ऑपरेशन रहता है ये, और जो भी हमें देश भर से दुनिया भर से दर्शक देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव विजुअल्स न्यूज 18 इंडिया के पास, और हम लगातार जा रहे हैं। हालांकि मैं पूछना चाहता वसीम साहब से कुछ, लेकिन यही कहेंगे कि हम वहां जा रहे हैं। और ये देखें, कोशिश की जाती है कि स्नो मोबाइल जो है, स्नो स्कूटर्स भी आगे जाएं। हम बहुत एरिया में आए इसी पे, लेकिन बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये यहाँ पे, क्योंकि फॉरेन स्कीयर्स स्की करते हैं, वही एवलांच की जद में आए हैं। हालांकि ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली बताया जा रहा है कि एक स्केयर की मौत हुई है, और एक स्केयर जो है करीब 50 फीट बर्फ के नीचे दबा हुआ है। और देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से हमारे पुलिस के जांबाज लोग जो हैं अपनी जान को खतरे में डाल के या एडमिनिस्ट्रेशन ये काम अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल हम पहुँच रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा है। मैं चाहूँगा कि देश भर से दुनिया भर से लोग देखें, पहली बार इस तरीके से कोई सुना एवलांच का रेस्क्यू ऑपरेशन आप तक लाइव पहुंच रहा है, पहली बार। यकीन माने बिल्कुल सांस फूल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया की टीम इस स्टॉप तक पहुंच पाई है जी। और ये देखिए, ये मेरे बिल्कुल आगे आगे यहाँ के कंसर्न एसएचओ मिस्टर हारून है, और ये ऑपरेशन जो है ये लगातार चल रहा है। मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन में से एक है, क्योंकि काफ़ी दूरी पर ये ऑपरेशन चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे ये ऑपरेशन चल रहा है, और ये आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे सामने इर्द गिर्द जो हैं वो वही लोग हैं जो इसके ऑपरेशन कर रहे हैं। रिफत, बहुत ख्याल रखिए आप अपना, ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रिफत जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि ऑपरेशन जो है वो लगातार यहाँ पे भी कह रहे हैं एवलांच, क्या बता रहे हैं एवलांच आने का खतरा है, और अभी भी स्नो पाउडर ऊपर जा रहा है, सेफ नहीं है इधर। अगर हम यहाँ रहे तो कैजुअलिटी और हो सकती है, मतलब हमारा रहना सेफ नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करें? जी जी, प्रोटोकॉल है, हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं जब तक। ठीक है ठीक है, कह रहे हैं अभी भी कुछ एवलांच आ सकते हैं,
लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, एक स्केयर के मारे जाने की खबर है और सिक्योर से कहा गया है कि इस पूरे एरिया को खाली करें। ये माउंटेनर्स की टीम मेरे साथ में है जो रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम। आप बताइए कि कितना खतरा रहता है इस एरिया में? खतरा तो ये देख सकते हैं क्योंकि अलर्ट है, अवलांच अलर्ट है, तो मेरे इर्द गिर्द सारे लोग हैं। सीओ साहब ये देख रहे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन है और जो लोग अभी अभी हमारे साथ दर्शक जड़े हैं उनके मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ इस स्पॉट तक पहुँची और आप तक पल पल की खबर पहुँचेगी। एक सिक्योर के अभी मरे जाने की हालांकि खबर आ रही है, ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। एक और जो है बताया जा रहा है बर्फ के नीचे यहाँ दबा है और ऑपरेशन लगातार जारी। आप देख सकते हैं ये पुलिस के लोग हैं जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में हमेशा आगे आगे होते हैं, यानी जब भी कोई इस तरीके की इवेंचुअलिटी होती है वो अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ पे अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। आप जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जाबाज टीम है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। वैसे भी जो एवलांच आया है बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आगे खतरा होता है, रेस्क्यू टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद है। न्यूज 18 इंडिया पर सीधी तस्वीरें किसी एवलांच के रेस्क्यू ऑपरेशन की हम आपको दिखा रहे हैं और ये लाइव हमारे सहयोगी रिफत इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमने पिछले साल भी गुलमर्ग में देखा था कि एवलांच आया था जिसमें कई विदेशी पर्यटक भी मारे गए थे। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि एक पर्यटक इसमें मारे गए हैं लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिफत सबसे पहले तो आप बहुत ख्याल रखिए क्योंकि जाबाज रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, अगर संभव हो पाए जो पुलिस टीम वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो कुछ आंकड़ा बता पाए और कितनी देर पहले ये एवलांच आया, कितने पर्यटक अभी हो सकते हैं अंदर? देखिए मेरे सामने है इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वो शायद ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि अभी बाकी डिटेल्स आ रही हैं कितने नीचे होंगे। मैं फिर से उनसे कोशिश करूंगा रابطہ जोड़ने की, हालांकि वो शायद चाहेंगे नहीं अभी सारी डिटेल्स देना। और SHO भी मेरे साथ में ही हैं, बिल्कुल मेरे पास ही हैं, आप देख सकते हैं ये सारी वो टीम है और जो बहुत मुश्किल हालात में मेरे साथ यहाँ पे आए, नामुमकिन था इन हालात में क्योंकि बर्फ हो रही है। मैं कोशिश करूंगा, वसीम राजा साहब है मेरे साथ, थोड़ा सा प्रिलिमिनरी डिटेल्स क्या हैं वसीम साहब, चूँकि आप यहाँ के पूरे इंचार्ज हैं आप चीफ एग्जीक्यूटिव जी, रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हैं। ऑब्जेक्टिव लेटर मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ टूरिस्ट जो है स्केयर्स, दे आर सपोज टू बी ट्रैप्ड और हमारी पूरी रेस्क्यू टीम जो है लगी हुई है, तो वी हैव आल्सो एयर ड्रॉप किया है और हम भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। वी विल बी शेयरिंग द डिटेल्स विद यू। आप देख रहे हैं ये है जी, हां हां देखा मैंने, वी आर वेरी नियर द एडवांस, तो हम लोग आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। एज ऑफ नाउ We are all involved with this. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज्यादा पूछना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि काफी ऑपरेशन की डिटेल्स हो रही होती हैं। ये ग्राउंड जीरो है जहां पे एवलांच आया, आप देख सकते हैं अभी बहुत डिफिकल्ट हालात में हम यहां पहुंचे। काफी टाइम हमें लगा पैदल, उसके बाद इन स्नो स्कूटर्स पे काफी जगहों पे खाली जो ऑपरेटर थे वही चल पाते थे, हम नहीं चल पा रहे थे। तो ये और मैसेज तो हाँ मैसेज को तो हम कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल रिफत, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। और मुश्किल हालात में इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। दरअसल गुलमर्ग में एवलांच आया कुछ देर पहले जिसमें कई पर्यटक फंसे हुए हैं, विदेशी पर्यटक भी यहां पर पहुंचते हैं और स्नो स्कूटर्स की मदद से इस वक्त रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं।